संभल में स्कूल में बीड़ी पीने की शिकायत मिलने पर परिजनों ने डांटा तो गांव बेला की मिलक निवासी कक्षा 4 की छात्र अरुण लगभग 14 वर्ष पुत्र प्रतिपाल ने मौत को गले लगा लिया। 23 जुलाई को स्कूल जाने के बाद वह घर नहीं लौटा था। 2 दिन बाद छात्र का शव ईख के खेत में यूकेलिप्टस के पेड़ से अपनी टाई का फंदा लगाकर लटका मिला। असमौली थाना क्षेत्र के गांव बेला की मिलक निवासी प्रतिपाल का बेटा अरुण टांडा कोठी स्थित एक निजी स्कूल में कक्षा 4 का छात्र था। 30 जुलाई की सुबह अरुण साइकिल से स्कूल पढ़ने के लिए गया था, लेकिन शाम तक घर नहीं पहुंचा। परिजनों को चिंता हुई तो उसकी तलाश शुरू की, लेकिन उसका पता नहीं चल सका। इसके बाद परिजनों ने थाने में गुमशुदगी दर्ज करा दी। सुबह असमोली शुगर मिल के कुछ कर्मचारी गन्ने का सर्वे करने पहुंचे तो उन्हें दुर्गंध आने पर यूकेलिप्टस के पेड़ के पास पहुंचे तो अरुण का शव पेड़ से लटका मिला। मिल कर्मचारियों ने आसपास के खेतों में काम करने वालों के साथ परिजनों को सूचना दी। सूचना मिलते ही परिजनों के साथ ASP श्रीश चंद्र, CO आलोक व थाना प्रभारी हरीश कुमार मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सर, क्या नाम है आपका? मदन लाल। कहाँ के रहने वाले? ये एक अरुण जो है, एक संदिग्ध परिस्थिति में एक पेड़ से शव लटका मिला है, इसके बारे में क्या जानकारी है आपको? आपका क्या है इसके बारे में? साहब, ये वैसे भतीजा हमारा परसों से लेकर ढूंढ रहे हैं। स्कूल आया था ये, और जो सब में ढूंढा हमें कहीं ना मिला, अभी हमने देखा भी नहीं। कितने समय से गायब था ये? परसों सुबह से 8 बजे के बाद में, 9 बजे। अब किसके द्वारा सूचना मिली आपको? अब साहब, ये सर्वे करने वाले आए बताइए, उन्होंने देखा है घर में। अच्छा, गन्ना सर्वे टीम। हाँ, शुगर मिल से। अब कहाँ है डेड बॉडी लड़की? अब मुझे सर, मैंने तो देखा ना, मुझे तो पता नहीं है, पर ये पेड़ों में बता दी। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।